जब एजेस की बात आएगी तो कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। कभी भी एज की बात आए तो लेट सपोज अभी किसी की प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स। अगर हम कभी भी फ्यूचर की बात करेंगे, कभी भी नाउ आ जाए, कभी फ्यूचर आ जाए, तो हम हमेशा एज को ऐड कराएंगे। लेट सपोज ए ईयर्स मेरा फ्यूचर में है, तो मेरा जो फ्यूचर होगा वो एक्स प्लस ए हो जाएगा। कभी भी हम फ्यूचर की बात करेंगे या प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम एज को ऐड कराएंगे। कभी भी हम पास्ट की बात करेंगे जो बीत चुका है, एगो अगर कीवर्ड आ जाए तो हम हमेशा एज में से माइनस कराएंगे। आगे बढ़ेंगे तो एक्स प्लस ए कॉन्सेप्ट होगा और पीछे हटेंगे तो एक्स माइनस ए कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखते हैं तो वहां पर आपने पहली लाइन पढ़ी होगी, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है 7 years ago, अगो मतलब हमारी एज माइनस होने वाली है 7, 7 साल पहले। अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो 7 साल पहले की कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस ए। तो आई वॉज 7 times as old as you were then, तो लिखते हैं। तो यहां पर पहले लेट करेंगे, पहला पार्ट लेट करेंगे, लेट का प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ना 7 years ago, तो कंडीशन यहां पर लिख देंगे हम 7 years ago। तो 7 years ago इसका तो असर बेटी पे भी पड़ेगा और आफ्ताब पे भी पड़ेगा। 7 साल पहले की बात हो रही है तो आफ्ताब की एज कितनी होगी 7 साल पहले, अगर आज एक्स है तो 7 साल पहले उसकी एज होगी एक्स माइनस 7 years। बेटी की एज क्या होगी, तो हम लिखेंगे यहां पर डॉटर्स की जो एज होगी वो होगी 7 साल पहले वाई माइनस 7 years। अब कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन उसने क्या बोली है, आई वॉज, आई मतलब आफ्ताब, आफ्ताब वॉज 7 times old as you were then, मतलब बेटी से 7 गुना बड़ा था, 7 गुना ज्यादा था। तो मतलब जो आफ्ताब है एक्स माइनस 7 वो 7 times है डॉटर की एज के। अब ये इक्वेशन हम सॉल्व कर लें तो एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7y एंड 7 7s are 49। तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस 7y माइनस 7 plus 49 इज इक्वल टू 0। फिर यहां पर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन मेरे पास ही निकल कर आ गई, इसी को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था। आगे उसने क्या बोला, लेट्स सी, आगे उसने बोला 3 years from now, अब जो कंडीशन है वो प्रेजेंट की आ गई, 3 years from now, अब से 3 साल बाद मतलब फ्यूचर। अब नाउ जब मैंने बताया था तो हमें क्या करना होगा, प्लस, अब आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3। अब यहां पर लिखेंगे आफ्ताब एज इज एक्स प्लस 3 years एंड हिज डॉटर एज इज वाई प्लस 3। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, तो आगे इसने बोला आई शैल बी 3 times, मतलब आफ्ताब जो है वो 3 गुना होगा अपनी बेटी की एज की। तो 3 गुना मतलब 3 times मल्टीप्लाई वाई प्लस 3। सो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस 3, हियर इट इज 3y into 9। तो यहां आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस 3y, यहां जाएगा प्लस 3 minus 9 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 3y ये कितना हो जाएगा, 3 में से 9 गए, हाउ मच इट इज -6 इज इक्वल टू 0।
सो ये पोर्शन मेरे पास यहां पर बना। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, यहां तक मुझे कंफर्मेशन दे दो। एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। तो यहां पर इन्होंने बोला था इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करो या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो। तब इसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे। ये आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि नाइन्थ में भी हमने काफी सारे ग्राफ बनाए थे। तो अभी मैं सिर्फ इक्वेशन बनाकर छोड़ रहा हूं।